गाइस वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। एंड एज यू सी आई एम गोइंग टू द मार्केट, जो घर के लिए मैंने स्टार्ट किया अपने इंटीरियर का। सो या लिफ्ट आ गई पहले वहाँ। सो या मैं अभी निकल रही हूँ मार्केट के लिए, और आज मैं आपको जहाँ पे लेके जा रही हूँ उस जगह को कहते हैं टर्की का आइकिया, यानी कि बाव हाउस। हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाके कुछ मुझे चीज़ें देखनी हैं, तो आप मेरे साथ रहिएगा। यार घर से निकलना इज अ बिग टास्क ऑनेस्टली, आप लोगों को बताऊं। मियाँ और बच्चे को घर छोड़ के आना, उससे पहले आप यकीन जाने उनके सारे लवाजमात बना के आई हूँ, ताकि पीछे से उनको ये ना हो कि खाने के कुछ नहीं था, ये चीज़ नहीं थी, उस चीज़ की ज़रूरत थी। आप यकीन जाने उस सब में करते करते मुझे इस टाइम पे 5 बज गए हैं, और मेरे पास सिर्फ जो है ना 2 घंटे हैं। मुझे हाल में 7 बजे वापस आना है, और मुझे रात का खाना बनाना है। सो या दुआ करें इस टाइम तक मैं कर लूँ, और यहाँ से जो है ना मुझे सबसे पहले तो टैक्सी मिल जाए। मुझे टैक्सी मिल गई तो मैं सीधा वहीं पहुँचूँगी बाव हाउस। वहाँ जाके जो मैंने चीज़ें देखनी हैं, जो मेरे माइंड में एक चीज़ बनी हुई है और 2-4 आइडियाज़ हैं, मैं भी कंफ्यूज हूँ कि मुझे किस चीज़ पे जाना चाहिए जो ईजिली हो और सस्ता भी हो। तो चलें जी हम वो चल के देखते हैं। वेदर इज़ गुड अल्हम्दुलिल्लाह, दैट वॉज द रीज़न आई एम नॉट वेयरिंग अ जैकेट, बट मैंने अपने आप को लेयर अप अच्छा किया हुआ है, ऐसा कि अगर मैं वहाँ पर अंदर जाऊँ, क्योंकि यार यहाँ पे आप इनर लेयर नहीं कर सकते। अगर आप लेयर करो ना, तो जब आप इंडोर जाते हो ना, तो इंडोर पूरा सेंट्रल हीटेड होता है, जिसकी वजह से मसला ये आता है कि आप अंदर जाते ही ना आपको इतनी गर्मी लग रही होती है कि आप भाग रहे होते हो, आपका दिल करता है कि आप सब कुछ उतार के फेंको। सो या मैंने अपने आपको ऐसे लेयर किया, ऊपर से मैंने शॉल ले लिया है, सो आई कैन कवर माई नेक एंड माई चेस्ट एंड माई शोल्डर्स। सो या तो चलें जी, दुआ करें मुझे टैक्सी मिल जाए और मैं सीधा सीधा पहुंच जाऊं। और इतने दिनों बाद मैं, जो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1.5 महीने बाद निकल रही हूँ इस तरीके से, मैं 1.5 महीने से कहीं नहीं गई, बट सो फार सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह, घर में भी अच्छा टाइम गुजर जाता है। एंड या चलो जी आने वाली है जगह, अल्लाह करे मुझे टाइम से टैक्सी मिल जाए, ये मेरा दुआ है। एंड मैं सैम्पल स्टीप नीचे उतर रही हूँ, इसीलिए मेरी जो थोड़ी सी वॉक आपको तेज लग जाएगी। सो या लेट्स गो। हैव रीच नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे निकलते ही टैक्सी मिल गई थी, एंड दिस इज द बाव हाउस। इट्स अ वेरी ह्यूज बिल्डिंग, और सामने ही मरमरा पार्क है अगर आपको लोकेशन देखनी हो तो। एंड फर्स्ट मेरी कोशिश होगी कि मैं अपना सामान देखूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है चीज़ें खरीदने में। एंड लुक एट द पार्किंग, अच्छा यहाँ पर इनकी पेड पार्किंग है, आपको पता है ये चीज़, आप यहाँ पे जो है ना एक टाइम के बाद आपको पे करना पड़ता है आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। लास्ट टाइम भी जब हम आए थे तो हमने अपनी गाड़ी दूसरी तरफ पार्क की थी, आपको एंट्रेंस पे जो है ना एक टिकट लेना पड़ता है जिससे आपको एंट्री मिलती है। सो नाउ वी हैव रीच्ड नाउ, देखते हैं यार पहले मैं जाती हूँ। सी आते कितने खूबसूरत कारपेट हैं, इट्स ओनली फॉर 430 लीरा, बट साइज़ थोड़ा छोटा है, मुझे बड़ा साइज़ चाहिए अपने लिविंग रूम के लिए। मैं पता है क्या चाह रही हूँ, मैं इस टाइप का चाह रही हूँ, बट मैं चाह रही हूँ कि वो ना वॉशेबल वाले हों। खैर चलिए अंदर चलते हैं पहले। हाँ यहाँ से अंदर जाना है हमने। लाइट सेक्शंस, ये वाली लाइट जो है मुझे बड़ी पसंद आई है, लेकिन यार मुझे समझ नहीं आता कि जब ये ख़राब हो जाएंगी तो इनको दोबारा से किस तरह से करना है, कि फ्यूज़ हो गई या क्या हुआ, मुझे ना ये इसकी साइंस कभी भी समझ नहीं आई। बट आई लव दीज लाइट्स, इसमें से इतना अच्छा एम्बियंस आता है। एंड मुझे रूम के लिए ना ये वाली लाइट पसंद आ रही है, ये वाली,
दिस इज़ रियली नाइस, बहुत अच्छी है ग्रे वाली, बट आई डोंट नो कि ये थोड़ा सा डिम इफेक्ट दे रही है, मुझे ब्राइट लाइट चाहिए. एंड आई लाइक दिस वन टू. यार बहुत ऑप्शंस हैं. ये लाइट एरिया है इसका, आगे भी है. सी, आपको यहाँ पे हर कुछ मिलेगा. नाउ फर्स्ट आई नीड टू गो टू माई डेस्टिनेशन, जो मुझे वॉलपेपर्स के लिए जाना है, देन आई डिसाइड अदर थिंग्स. यार ये देखो, ये पंखे देखो ज़रा, यहाँ पे कितने खूबसूरत पंखे हैं लाइट वाले. आपको यहाँ पे सुई धागे से लेके बड़ी हार्डवेयर तक, दरवाजे, खिड़कियाँ, हर चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे जो है ना. आई डिसाइड टू बाय दिस वॉलपेपर विथ दिस. आई रियली लव द कॉम्बिनेशन, बट कलर्स में थोड़ा सा डल हो रहा है, सो आई कैन फाइंड इफ आई कैन गो विथ दिस. आई थिंक दिस विल गो नाइसली. यार यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड मैं सेल्फ एडहेसिव पे जाना चाह रही थी, बट दे सेड के सेल्फ एडहेसिव जो है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं, और मुझे उन्होंने पैकेट का बताया है. तो लेट्स सी, ये भी एक नया एक टारगेट चार्ज मेरे लिए आ रहा है, बट मैं वो लेना चाह रही हूँ. एंड इन्होंने मुझे एक अच्छी चीज़ बताई है. ओ आई लव दिस वन, बट इसमें मेरा कमरा बहुत ज़्यादा जो है ना डार्क लगेगा, सो आई कॉन्ट डू दिस. आई हैव सो मैनी ऑप्शंस हेयर जो कि मैंने देखी हैं. एंड यहाँ पे ये छोटे रोल्स हैं, एक दीवार पे ये चार रोल्स आएंगे. एंड मैं चाह रही थी कि सेल्फ एडहेसिव हो जाता, बट यहाँ पे वो कह रहे हैं सेल्फ एडहेसिव ख़त्म हुए हैं, बट देर आर सो मैनी ऑप्शंस. जब तक मैंने इससे पूछा, उसने कहा कि नहीं है जी यहाँ पे. सो मुझे जो चाहिए, जिनसे मैंने बात की है, सो ही सेड कि आप ये वाला लें, ये वाले बड़े रोल्स होते हैं, और ये सिर्फ मेरे दो रोल्स लगेंगे मेरे पूरे कमरे में. ये बड़े रोल्स होते हैं, ये वाले छोटे रोल्स होते हैं. छोटे रोल्स में ये होता है, ये कहते 10 मीटर हैं, लेकिन ये इसमें से अक्सर निकलता 8 मीटर है. एंड आई रियली लव दिस प्रिंट टू, कि मेरा कोई से ट्रॉपिकल सा यार बेडरूम हो, बड़ा दिल कर रहा है मेरा. लेट्स सी व्हाट हैपन. वी हैव सो मेनी कारपेट ऑप्शंस टू. फट रहा है इस टाइम पे, क्योंकि मेरी जो रेंज है ना वो 150 वाले रोल की है, जो मैं चाह रही हूँ. बढ़ा तो मैं सकती हूँ, बट आई डोंट वांट टू. एंड जो चीज़ मुझे पसंद आ रही है ना वो 190 वाली है, जिससे मेरा कम से कम भी 200-400 का बजट ऊपर जा रहा है. मुझे समझ नहीं आ रही है मैं क्या करूँ. शुड आई बाय समथिंग गुड, और शुड आई गो फॉर द सस्ता वाला. यार बहुत बड़ी साइंस है ये, जो 150 वाला है ना, मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट. तो ऑप्शन ये है 150 में, विच इज़ रियली नाइस, और ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इस वाले एक पैटर्न में एक वॉल पे ये हो जाए और दूसरी वॉल पे ये वाला हो जाए. बट ऑन द अदर हैंड मुझे जो है ना पसंद आ रहा है ये वाला भी. आई रियली लाइक इट, सो आई एम थिंकिंग टू गो विद दिस वन. और इसके साथ अब ये वाला यार मैच नहीं हो रहा. आई एम ट्राइंग कि ये मैच हो, बट ये इसके साथ जा नहीं रहा. इफ़ आई गो विद दिस वन, सी ये भी समझ नहीं आ रही है कहानी, बहुत मसला है. अच्छा इसमें एक और ऑप्शन भी है, लेट मी शो यू. इसमें एक फुल यार, इसको तो करना है, ये वाला ऑप्शन भी है. See, I love the texture. I'm thinking I would go with this one, with this. Yaar, ammi, kya karu? See, texture bhi hai. This looks so nice. Thoda sa texture aayega jab wallpaper laga hi rahi hu, to dikhna bhi to chahiye na yaar. To mujhe to ye samajh aa raha hai, iske sath ye wala ya ye wala. इसका ना असल में ओपन पीस नहीं है, कोई खुला हुआ पीस हो तो मैं खोल के देखूं.
यार, वेरी स्वीट लेडी हु हेल्प यू अ लॉट. मारवा फ्रॉम टर्की. या शी इज फ्रॉम टर्की, शी इज अ न्यू फ्रेंड नाउ एंड शी हेल्प मी अ लॉट क्योंकि मुझे थैंक यू सो मच, यू आर सो काइंड. सो या मुझे बहुत इसने हेल्प की है एंड नाउ आई एम क्लियर टू माय माइंड कि मुझे क्या लेना है. एंड इफ आई मेक अ वीडियो आई हैव अ गुड बैकग्राउंड, दैट्स व्हाई आई एम बाइंग सम काइंड ऑफ थिंग्स. दिस इज द हाउस होल्ड आइटम्स. यार यहाँ देखो कितने अच्छे, यार सिम्बो ब्रांड बहुत अच्छी है. यहाँ देखो यहाँ पे स्टीम आयरन भी मिल रही है. सो यू कैन फाइंड एवरी थिंग. एंड अगर हेयर आप देखें यहाँ पे आपको सारे हाउस से रिलेटेड मिल जाएगा यार. एंड लव द स्टोरेज, लव 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 इट. हाय जहाँ जाओ ये देखो यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी इधर से रिलेटेड आपको. अच्छा यहाँ पे जो एक बेस्ट पार्ट है ना, जो मुझे अगर जैसे मैंने यहाँ से कुछ खरीदा है तो उसके साथ मुझे उसकी चीज़ें भी देंगे कि आपको ये स्क्रू चाहिए, ये चीज़ चाहिए. और बेस्ट पार्ट है अगर आप उसका पैकेजिंग खोलोगे नहीं ना, आपका वो बच गया है तो आप अपने बिल के साथ आके यहाँ पे रिटर्न करा सकते हो, आपको पैसे वापस मिल जाएंगे. यू डोंट नीड कि जी यार मैंने ज़्यादा ले लिया कम ले लिया. और इसी तरीके से मैं अपना जो है ले रही हूँ इस टाइम पे वॉलपेपर, एक एक्स्ट्रा रोल ले रही हूँ. आई होप सो कि मुझे उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी में ही मेरा काम हो जाएगा. और जो बाकी का है मैं बिल दे के यहाँ से अपना कैशबैक करा सकती हूँ. सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट. मुझे बीच में एक ने कहा कि आपको मैं एक ऑप्शन बताता हूँ, आप वहाँ जाएँ और वहाँ से आप कर लें, आपको सर्विस भी मिलेगी. मैंने कहा नहीं यार मुझे सर्विस के साथ अगर इतना ही पे करना है, लेकिन उसमें मसला क्या है कि बाकी का जो वॉलपेपर मेरा यूज़लेस होगा वो मेरे पास ही रहेगा एंड ये लोग पैसे भी बनाते हैं. सो या आई हैव अ वेरी गुड ऑप्शन कि मैं ले सकूँ यहाँ पे. अब आपको मैं बताऊँ कार्ट हमने लेना कैसे है. हमने कार्ट लेना है इस तरीके से एंड आई थिंक आई नीड टू पे हेयर. यहाँ देखो यहाँ पे एक लीरा आपको पे करना है. लेट मी फाइंड अ कॉइन सो आई कैन. ये मैं इसमें देखो मेरे पास ये 50-50 ये यहाँ पे ऐसे होता है, ये कॉइन्स हैं. ये मैं दो इसमें डालूंगी. सी अब बिस्मिल्लाह. व्हाट इज रॉन्ग विद इट. तो कार्ट के लिए भी होता है, लोग कभी ऐसे होते हैं. राइट नाउ आई जस्ट गेट अ कार्ट फ्रॉम अ लेडी. उसने मुझसे एक लीरा ले लिया यार कि तुम मुझे दो और मेरा कार्ट ले जाओ. तुम्हें कार्ट में डालने की जरूरत ही नहीं है. ऐसे लोग भी होते हैं. खैर चलें जी हम जाते हैं और जाके लेते हैं. वहाँ पे मुझे लड़की कहती है ना कि मैंने वॉलपेपर वाले गाय से पूछा था मैं यहाँ वीडियो बना सकती हूँ. सेड यस यू आर अलाउड टू मेक अ वीडियो. और इसने मुझे कहा कि तुम वीडियो नहीं बना सकती. मैंने कहा मैं तो अपनी वीडियो बना रही हूँ. और मैंने वहाँ पे वॉलपेपर वाले गाय से पूछा ही अलाउड मी टू मेक अ वीडियो. तो यार यहाँ पे आपको मिक्स तरीके का मिलता है, कोई अच्छा बंदा मिल जाए. पार्दन अबे कोई आपको अच्छा मिल जाए तो ही विल गाइड यू प्रॉपरली. कोई अगर आपको ऐसी सड़ावा मिल जाए तो इट्स अप टू योर लक कि आपको कैसा बंदा मिल रहा है. तो चलें जी मैंने यहाँ से जाना है. लकीली जो मुझे प्रिंट पसंद आया है वो सस्ता वाला है. सो आई एम गोइंग टू टेक दिस वन. यस ये यही वाला है. दे बोथ आर द सेम. वॉलपेपर इज डन नाउ हियर. और हमने ये ले लिया है. एंड लेट मी कंफर्म अगेन कि अगर मेरा ये रिटर्न हो जाएगा तो यार मेरा अगर इसमें से तीन वॉलपेपर जी लगते हैं तो ये दो वाले मेरे अल्लाह करे इंशाल्लाह. वैसे मुझे मेरी फीलिंग्स आ रही हैं कि तीन वॉलपेपर्स लगेंगे और दो मेरे रिटर्न हो जाएंगे. और जब दो रोल रिटर्न हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मेरे पैसे बच जाएंगे. लेट मी आस्क हिम. अब मुझे जाना है प्लांट्स देखने. अगर मुझे एक प्लांट मिल जाता है यहीं से तो मैं यहीं से ही ख़रीद लेती हूँ. और एक मुझे लैम्प देखना है क्योंकि ऑनलाइन भी यार ऑर्डर करूँगी तो इसी तरीके से आएगा. अगर मुझे यहीं से मिल जाता है तो मैं यहीं से ही लैम्प ले जाऊँगी. लेट्स सी फिंगर क्रॉस्ड. तो अगर मुझे मिलता है अल्लाह करे मिल जाए जैसा मैं चाह रही हूँ. एक तो मैंने पसंद किया है. समझ नहीं आ रहा कि ये ओरिजिनल प्लांट्स हैं कि आर्टिफिशियल हैं. आई एम लुकिंग फॉर अ आर्टिफिशियल प्लांट. ओरिजिनल तो मुझे लगता है मैं मार दूँगी. दीज आर ओरिजिनल्स. लुक एट दैट एंड प्राइसेस आर वेरी नाइस यार. देखो 60-60 लीरा के रखे हुए. अच्छा मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं ना वो सारे के सारे ही हाँ ये ओरिजिनल्स हैं. एंड $20 इनकी प्राइसेस सेम है क्योंकि मैं ऑनलाइन कब से चेक कर रही हूँ. आर्टिफिशियल प्लांट्स बट भाई साहब टू एक्सपेंसिव. दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव.
सी ये 1500 का पौधा है, ये 1000 लीरा का पौधा है, दिस इज 1300 का, आई डोंट नो। और ये छोटे छोटे देखना, ये 1400-1400 के हैं। दिस इज़ टू एक्सपेंसिव। लेट्स सी क्या होता है। आई नीड वन बिग प्लांट, अब देखती हूँ क्या होता है। देखा ये 2000 का है। आई रियली लाइक दिस वन, सी, बट दिस इज एक्सपेंसिव, दिस इज 795। ओह पीछे भी हैं, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड समथिंग। आई रियली लाइक दिस वन, आई कुड गो विद दिस टू। ये मेरे ख्याल से प्लांट कितने का है स्टैंड के साथ प्लांट का, क्योंकि मुझे ऐसे ऊपर का स्टैंड चाहिए यार। बहुत ज़्यादा ना सफाइयों में मसला होता है, फिर ये पौधे शौधे हटा के। छोटा प्लांट होगा ये, छोटा प्लांट कितने का है। ओहो, ये छोटा प्लांट भाई साहब देखना 750-800 का है। तो मेरे ख्याल से मैं फिर ओरिजिनल पे ही जाऊँगा अगर मैंने यही लेना तो। और 150 का स्टैंड मिल रहा है। और आर्टिफिशियल इतने महंगे क्यों हैं? प्लांट 150 लीरा का, एंड वो अब मुझे इसमें से स्कैन करके बता रहे हैं इसका स्लीव कितने का मुझे मिलेगा। अल्लाह करे सस्ता ही मिल जाए भाई साहब। 250। ओके, तो गाइडिंग मी के यहाँ पे जो है लगा हुआ है सेल वाला भी, मैं वो देख। आई बॉट दिस फॉर 150 लीरा, एंड इसके साथ जो मुझे स्लीव मिल रहा है वो आई थिंक सिर्फ 70 लीरा का है। गाइडेड मी के ये जो है इस पर लिखा हुआ भी है कि 10-15 रोल्स के लिए ये एक पैकेट बहुत होगा और ये मेरा बच भी जाएगा। ऑलरेडी मेरे पास कुछ घर में भी रखा हुआ है। ये मुझे 70 लीरा का पड़ा है और ये मुझे मेरे ख्याल से 20 लीरा का पड़ा है, 19 लीरा का पड़ा है, और इस तरह करके इन्होंने मुझे चीज़ें दी हैं साथ में एप्लीकेशन के। सील डील्स यू कैन गेट फ्रॉम हेयर। इसमें ये देखें ना ज़रा, 80 लीरा में आपको ये पूरा सेट मिल रहा है रिमोट वाला, एंड हमारा बहुत यूज़ होता है। आई थिंक यू शुड गो विद दिस, एंड या अभी के लिए यही सही है। रिमोट और मेरे जो हैं वो अलमारियों वाली लाइट्स के लिए भी यूज़ होता है। सो या जस्ट फिनिश्ड माय शॉपिंग, लुक एट दैट, इतना बड़ा कार्ट और सामान है। आई नीड टू फाइंड अ टैक्सी, अल्लाह करे मुझे सामने से ही मिल जाए, और मेरे लिए ये चलानी मुश्किल हो रही है। तो चलो यार अब मैं घर पहुँच के आप लोगों से बात करूँ। सेकेंड राउंड सामान लेके जा रही हूँ मैं घर। गाइज आई हैव जस्ट रीच होम, एंड शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने KFC मंगा के रखा हुआ था। सी आई एम ईटिंग दिस ताकि मेरे में एनर्जी आए और फिर खाना पकाऊँ। बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो गया। मैं जैसे खाती हूँ खाना पकाती हूँ। आज का ब्लॉग यहीं तक है। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल के सपोर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एंड जो है मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरीके से आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। और अभी आते रहे, अभी तो आप ट्रांसफॉर्मेशन पूरी देखेंगे, आप इस जर्नी में मेरे साथ हैं। एंड मैं आपको सारा बजट बताऊँगी कि मैं जितना कम से कम पे जा सकूँ, एंड यू विल सरप्राइज कि कितने सस्ते में जो है मैंने ये सारा काम किया है। सो इंशाल्लाह मेरे साथ जुटे रहिए, आपको आने वाले ब्लॉग्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यक्षमला मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।